नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार में। आज पूरा भारत हिंदी दिवस को बड़े जोर शोरों से मना रहा है और इसी को लेकर आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं दिनेश पाठक जी, जिनके पास लगभग 30 साल से ज़्यादा का पत्रकारिता में अपना खुद का एक अनुभव है। आइए बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया बच्चे। सर, आपका लगभग 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रहा है पत्रकारिता के, बच्चों को आज आपने संबोधन किया। हमारे दर्शक जो भी पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहाँ एक पवित्रता मांगती है, मेहनत मांगती है, पसीना मांगता है, त्याग मांगता है। अगर आप वो करने की स्थिति में तो ही पत्रकारिता करने आए, और नहीं करना चाहते हैं तो न आए। फिर सरकारी नौकरी बहुत बेहतरीन है। किसी भी पत्रकार के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है, उसे खूब लिखना, खूब पढ़ना, खूब बोलना आना बहुत ज़रूरी है, और ये रोज़ के परिश्रम से ही संभव है। हम सर हिंदी दिवस मना रहे हैं, अक्सर में पत्रकारिता के छात्र के लिए भाषा कितना महत्व रखती है? भाषा हमेशा, भाषा तो किसी के लिए भी महत्व रखती है। भाषा कोई पत्रकारिता के छात्रों के लिए, पत्रकारिता के छात्रों के लिए भाषा इसलिए इम्पोर्टेंट कही जाती है क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं अपने रीडर से, अपने दर्शक से। तो भाषा में जितना प्रवाह होगा, जितना फ्लो होगा भाषा में, उतना रीडर दर्शक हमसे कनेक्ट करेगा। अगर हमारी भाषा टुकड़ों में जाएगी, कठिन शब्दों के साथ जाएगी, तो वो भाषा में वो नहीं आ पाता। तो हमारा जो, जिसके लिए हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, अगर उसको फायदा नहीं मिला तो हमारी पत्रकारिता बेमकसद हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है भाषा पर पकड़ होना। इसीलिए आवश्यक है कि भाषा पर पकड़ होने का मतलब है कि आपने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर देंगे। अगर आपकी भाषा पर पकड़ कमज़ोर है तो कंटेंट आप अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। कंटेंट अच्छा तभी आएगा जब आपकी भाषा पर पकड़ होगी, जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, जब आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे। सर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ डिजिटल का दौर अब चालू हो चुका है, तो पत्रकारिता की जो पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी हैं, वो किस बात का ध्यान रखें कि वो प्रिंट के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ डिजिटल में भी अपना करियर बनाएं? वही बात जो मैंने अभी पीछे कही है कि भाषा पर हमारी रीच बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए डिजिटल करें, टीवी करें, अखबार करें, या फिर अंग्रेजी के लिए करें, जहाँ कहीं भी करें, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है, और ट्रांसलेशन की बात जब हम करते हैं तो कतई वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसलेशन की बात जब हम करते हैं तो कॉपी में उसके मर्म, जो अंग्रेजी का तार आपके सामने आया है, उसका मर्म जो, उसका रस है, उसे आप अपने शब्दों में लिखते हैं, तब फिर सही कॉपी बनती है, वो कॉपी बनती है। मतलब कहानी ऐसी बोली जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए, जो हम अपने पेरेंट्स को बता सकें, जो हम अपने भाई बहन को बता सकें, जो हम अपने दोस्त। पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो हम दोस्तों से करते हैं, जो हम अपने माता पिता से करते हैं, दादा दादी से करते हैं, नाना नानी से करते हैं। अगर वो कम्युनिकेशन आपकी लैंग्वेज में आ गया तो आप डिजिटल हो, टीवी हो, प्रिंट हो, हर जगह कामयाब हैं। सर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप आए, स्टूडियो आपने देखा, स्टूडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि कई टेलीविज़न चैनल के पास इतना ज़बरदस्त इंफ्रा नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है। मैं शुभकामना दूंगा और मैं चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल मैक्सिमम बच्चे करें। मैंने अभी पवन जी से भी रिक्वेस्ट की कि बच्चे, हालांकि कर ही रहे हैं, आप सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका और एक बेहतर इस्तेमाल हो। जितना प्रयोग होगा क्लासरूम से ज़्यादा यहाँ रहने की ज़रूरत है बच्चों के, जिनका खास तौर से टेलीविज़न में इंटरेस्ट है या डिजिटल में इंटरेस्ट है। क्योंकि डिजिटल में दो खूबसूरत बातें हुई कि प्रिंट और टेलीविज़न दोनों का मिक्स है डिजिटल, तो वो बच्चे अगर यहाँ ज़्यादा समय गुजारेंगे तो ज़्यादा शानदार होगा। इंफ्रा आपका बहुत शानदार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी मैंने विजिट करी है और इतना शानदार इंफ्रा रेयर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपसे आगे मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपू के साथ मैं हेमंत शर्मा।